तो हमारा वीडियो बनाने का यही कोशिश है कि आप लोग भी आप अपने आसपास अपने घर पे अपने बालकनी पे पेड़ तैयार कर और अगर हर साल आप 5 पेड़ 10 पेड़ तैयार करते हो और आसपास लगाते हो तो जो ग्रीन एरिया हमारे इंडिया का वो बढ़ जाएगा। तो हम आज पूछते हैं इनसे कि ये कब कितने दिन पहले लगाए थे। तो सर ये आप पेड़ कब लगाए थे? अब तो याद भी नहीं कितना टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, कुछ आइडिया बता दीजिए लोगों के लिए। मैं 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे तो लग रहा है 4 साल का पेड़ है। 4 साल का होगा क्योंकि 2 साल का मेरे मोटा हो गया ना। 4 साल का होगा, नहीं इतना आइडिया नहीं है मुझे कितने साल का है। तो क्या मतलब बस पानी डालते रहते इसमें? हाँ पानी डालते हैं, खाद। लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि कहते हैं पेड़ लगाएं, जितने ज्यादा लगा सकें, जहाँ बालकनी में लगाएं, घर पे छत पे लगाएं, जहाँ मर्जी लगाएं, पर पेड़ लगाएं। ये हमारे अनिल सर हैं, इंदिरापुरम में रहते हैं और फिटनेस लोगों को कहते हैं कि दौड़िए, आजकल हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा आ रही है क्योंकि बैठने से आराम करने से लोगों के ब्लड में जो ब्लॉकेज आ रही है, तो ये रनिंग करवाना सिखा रहे हैं, दौड़ते हैं और हर सुबह दौड़ के पेड़ अपने डिवाइडर पे अपने आसपास सोसाइटी में लगाते हैं। तो सर हमें बताएंगे कैसे आप भी अपने आप को फिट भी कर सकते हो और अपने दिल्ली और एनसीआर को हरा कर सकते हो। तो हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर और कब से कर रहे हैं आप? बस मैं 2 साल से पेड़ लगा रहा हूँ और पीपल वगैरह का पेड़ बाउंड्री से खींच के और उसको सही जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। इतना ही छोटा सा काम करता हूँ जिससे कि हमारे आसपास हरा भरा रह सके। और ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, हमें घुमा के अपने गाड़ी से इन्होंने दिखाया कि देखिए कहाँ कहाँ पेड़ लगाए और हम पेड़ देख रहे हैं कि सारे पेड़ 2 फुट 1.5 फुट और उनमें हरी पत्तियां निकल गई हैं। तो अब ये अगर 3-4 साल बाद वही अपने आसपास ऑक्सीजन देगी, अगर हम लोग अपने जिंदगी में कोई मंदिर जाता है 100 रुपये चढ़ाता है 50 रुपये चढ़ाता है पत्थर की मूर्ति पूजता है, लेकिन ये हमारे पेड़ ही भगवान है, इसी में महादेव इसी में विष्णु इसी में सारे देव हैं जो हमें जहर पी के, जैसे शंकर भगवान ने जहर पी के पूरे देश को बचाया था, ये पेड़ हमारे गाड़ियों से निकलने वाली धुआं को पी के और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, हम भी पेड़ लगा रहे थे लेकिन फिटनेस नहीं था, हमने सर का देखा काम, हमने कहा कि भाई फिटनेस भी जरूरी है, लोगों को ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे तभी लोग पेड़ का कुछ सोशल काम कर सकेंगे और अपने चीज़ को, तो अपने पूरे परिवार को एक्सपायर करके, इनकी वाइफ भी हैं वो भी बहुत दूर दूर तक जाके मैराथन अपना दौड़ती रहती है। तो हम सर के साथ इन्होंने बुलाया, हम इंदिरापुरम में आए हैं और आप लोग देख रहे हैं ये नीम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। और हमारे साथ ये राजीव जी हैं, इंदिरापुरम के काफ़ी लोग, हमारे इंदिरापुरम रनर्स के काफ़ी लोग इसमें इससे जुड़े हुए हैं और पेड़ लगाते रहते हैं। तो हाँ ये सर ने अपना टीम बनाया हुआ है, सुबह ये लोग पूरा ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन इन्होंने टी शर्ट पहनी है, ग्रीन यही इस टी शर्ट का मतलब है कि ये हमारे इंदिरापुरम रनर्स के ही मेंबर हैं। हाँ और पेड़ लगाते ही रहते हैं। तो ये देखिए अपने आसपास इन्होंने ऑक्सीजन का व्यवस्था कर लिया, लेकिन अब ये समाज के लिए चाह रहे हैं कि नीम हमने इससे सांस ले ली, लेकिन अभी हमारे आसपास के सोसाइटी के लोग जो रह रहे हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए फ्लैट। हाँ तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं पपीते को भी लगा, उसमें पपीता है ना। हाँ सीधे उसको सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि पपीता का पेड़ खराब ना हो। चलिए धन्यवाद मिशन 100 करोड़ से, आप भी एक एक पेड़ लगाएं और हमारे मिशन 100 करोड़ हर साल पेड़ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा एक तरह से आंदोलन और मिशन चलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।